अगला सवाल हमारे साथ है अनिल रणधीर जलगांव से। अनिल जी बताइए क्या सवाल है। सर मेरे जोमेटो के 1000 शेयर है 68.8 के हिसाब से, अभी एक महीने भर से वो लॉस ही चल रहा है। और दूसरे शेयर है नाइका के जो स्लिप होकर अभी 170 के समथिंग कुछ तो भी है, 160 पर, तो मैंने वो उसको 172 के 72.70 के हिसाब से लिया था 500 शेयर। हाँ तो इसमें दोनों के बारे में राय चाहिए कि अभी आखिरी पोजीशन उनकी क्या रहेगी। एक्चुअली नाइका तो स्लिप हो चुका है, जोमेटो भी स्लिप हो चुका है, 64 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, नहीं लगाया था? नहीं सर लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है थोड़ा सा वेटिंग के परसेंट। लॉन्ग टर्म मतलब कितने दिन? एक चार महीने के, 3-4 महीने के लिए। बहुत सही गौरव भाई, 4 महीने के लिए लॉन्ग टर्म का व्यू है हमारा रणधीर जी का। जोमेटो 1000 शेयर है 68.80 और नाइका 750 शेयर है 172.70। बताइए क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं नीरज जी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि अगर आप ये निवेश कंपनीज में निवेश अगर कर रहे हैं, जोमेटो हो गया या आपके बाकी जो पीबी फिनटेक हो गया या डिलीवरी हो गया या आपके नायका हो गए, इनमें अगर आपका नजरिया 2 या 3 महीने का है तो इनसे आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसा इनमें ना तो ब्रेकआउट आया है ना रिवर्सल वैसे बड़े साइन आए हैं। यहाँ पे अगर आपको निवेश करना है तो आपको पेशेंस लगेगा, आपको कम से कम 1-1.5 साल का इसमें इंतजार करना चाहिए होल्डिंग के लिए, तब आप इसमें निवेश कीजिए। अगर आपका 3-4 महीने का व्यू है तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे एक बार एग्जिट कीजिए। जोमेटो में एक अच्छा ब्रेकडाउन हमको देखने मिला था, स्टॉक 42-43 तक गया था, उसके बाद में ऊपर आया है। अब आपने ऊपर लेवल्स पे लिया है कि आप यहाँ पे सोच के कि मोमेंटम चालू हो जाएगा, फिर एक रेंज में आ गया है, तो ब्रेकआउट इसके 70 के ऊपर होने वाले हैं, रेंज में रहेगा। ब्रेकआउट आने में कितना समय लगेगा बोलना डिफिकल्ट है, तो मैं कहूंगा कि वर्स्ट जो है टेक्निकल चार्ट्स पे का देखा जाए शॉर्ट टर्म के लिए वो एक बार खत्म हो चुका है, लेकिन आपको अगर 3 महीने का नजरिया है तो मुझे बड़ा मोमेंटम यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ इसमें फंडामेंटल इंप्रूवमेंट आ रहा है तो अलग बात है, बट चार्ट्स मुझे इतना बड़ा मोमेंटम दिख नहीं रहा। आपका नजरिया अगर 1 साल के ऊपर गया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।